नमस्कार साथियों, आज हम जानने वाले हैं कि समझदार लोगों के अंदर ऐसे कौन से गुण होते हैं जिसके कारण वो सफल होते हैं। तो आज हम जानने वाले हैं उनके ऐसे 5 गुण जो हर समझदार व्यक्ति और एक सफल व्यक्ति के अंदर जरूर होंगे। तो आज आप देखिए कि क्या ये गुण आपके अंदर है या फिर नहीं। समझदार लोगों का पहला गुण होता है कि वो बहुत कम बोलते हैं और बहुत ज्यादा सुनते हैं, और जितना सुनते हैं उससे कई गुना ज्यादा करके दिखाते हैं। कई लोगों को आपने सिर्फ बकवास करते हुए देखा होगा, वो सिर्फ बोलते रहते हैं लेकिन अपने जीवन में कभी कुछ करके नहीं दिखाते। जबकि जो लोग कम बोलते हैं और समझदार होते हैं वो बहुत ही कम बोलते हैं लेकिन कई गुना ज्यादा करके दिखाते हैं। कई लोग तो आपने ऐसे भी देखे होंगे जो किसी की बात सुनना ही नहीं चाहते हैं, सिर्फ अपनी ही अपनी बात लोगों के सामने रखना चाहते हैं और उसी की वजह से वो मूर्खता के पात्र बन जाते हैं। जब व्यक्ति कम बोलता है और ज्यादा सुनता है तो वो कभी भी किसी के लड़ाई झगड़े के चक्कर में पड़ता ही नहीं है, और उसकी खुद की भी किसी दूसरे व्यक्ति से कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है क्योंकि वो सिर्फ अपने काम और अपने बातों से ही मतलब रखता है। इसलिए आप अपने अंदर देखिए कि आप एक कम बोलने वाले और एक शांत व्यक्ति हैं या फिर ज्यादा बोलने वाले और एक उपद्रवी व्यक्ति हैं। समझदार लोगों की दूसरी निशानी होती है कि वो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, वो गहन अध्ययन करते हैं, किसी भी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं और उसका डिटेल में पता लगाते हैं। जबकि कम समझदार लोगों के साथ कहानी होती है अधजल घघरी झलकत जाए वाली। उनके पास थोड़ा सा ज्ञान होता है लेकिन वो उसे बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बताते हैं और अपने आप को बहुत ज्यादा समझदार मानते हैं। जबकि समझदार व्यक्ति जितना ज्यादा पढ़ता है उसे ऐसा लगता है कि अभी मैं बहुत ही कम सीखा हूँ। हर समझदार व्यक्ति का एक नियम होता है कि वो दिन का इतना घंटा तो अपने नए ज्ञान को बढ़ाने के लिए या किताबें पढ़ने के लिए जरूर देगा। जैसे आपने बिल गेट्स या वॉरेन बफेट के बारे में भी जरूर सुना होगा कि वो लगभग एक सप्ताह में एक किताब को खत्म जरूर करते हैं। समझदार व्यक्ति की अगली निशानी होती है कि वो हमेशा ही खुली आंखों से सपना देखता है, वो डींगे नहीं हाँकता, वो चीजों को और बातों को बड़ा चढ़ाकर नहीं बताता। जितना उसके पास है सिर्फ वही ज्ञान और वही चीजें वो लोगों के साथ साझा करता है। जबकि एक मूर्ख व्यक्ति टोटल इसके उलट होता है, उसके पास जितना नहीं होता है वो उन चीजों को भी बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बताता है और अपनी डींगे ही हाँकते रहता है। समझदार व्यक्ति के पास एक प्लानिंग होती है, उसके पास अपनी सफलता का एक नक्शा होता है, उसे पता होता है कि अभी मैं कहाँ हूँ, मुझे जाना कहाँ है और बीच में किन किन स्टेप्स को मुझे फॉलो करना है। जबकि एक असफल और एक मूर्ख इंसान में यही गलती होती है कि उसे अपने जीवन के बारे में, अपने लक्ष्य के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। समझदार व्यक्ति कभी भी अपनी असफलताओं से डरता नहीं है, उसे हमेशा पता होता है कि किस असफलता से उसे क्या सीख लेनी है और उसे कैसे अपने सफलता के प्लान में अप्लाई करना है। जबकि कम समझदार व्यक्ति हमेशा ही छोटे छोटे असफलताओं से भी डर जाता है, बिलबिला उठता है, परेशान हो जाता है और उस काम को छोड़ देता है जिसे वो वाकई में करना चाहता था। समझदार लोगों की अगली निशानी होती है कि उन्हें अकेला रहना बहुत अच्छा लगता है, उन्हें बहुत सारे लोगों के साथ रहना या बहुत ज्यादा भीड़भाड़ वाले इलाके पसंद नहीं आते हैं। अब कई बार लोग इसे नेगेटिव ले लेते हैं और समझदार लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हें अकेले नहीं रहना चाहिए, नहीं तो तुम अकेले पड़ जाओगे, तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा। जबकि ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति को सिर्फ अकेले ही रहना चाहिए, उसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए, उनकी मदद नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन उससे पहले उस इंसान को अपनी खुद की मदद भी करना होगा, उसे खुद भी सफल होना होगा, समझदार होना होगा ताकि वो समाज का भला कर सके। तो ये थी ऐसी 5 निशानियां जो एक समझदार व्यक्ति और एक सफल व्यक्ति के अंदर जरूर होती है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सी निशानी आपके अंदर है। यदि ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।